नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। अंग्रेजी कैलेंडर का ये नववर्ष मुख्यमंत्री एवं गौरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ के लिए बेहद खास होने जा रहा है। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री रामलला के भव्य मंदिर में विराजमान होने के साथ ही गौरक्ष पीठ की तीन पीढ़ियों का सपना साकार होगा। ऐसे में सीएम योगी ने नए साल के पहले दिन की शुरुआत प्रभु श्री राम के द्वारा भी पूजित देवाधिदेव महादेव के अभिषेक, रुद्राभिषेक और हवन अनुष्ठान के साथ की। इस दौरान उन्होंने भगवान भोलेनाथ से समस्त नागरिकों के जीवन में सुख समृद्धि शांति की प्रार्थना की। गौरखनाथ मंदिर प्रवास के दौरान नववर्ष के प्रथम दिन सोमवार को प्रातःकाल मुख्यमंत्री एवं गौरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने मंदिर के अपने आवास के प्रथम तल स्थित शक्ति पीठ में विधि विधान से रुद्राभिषेक किया। विद्वत एवं पुरोहित गण ने रुद्राभिषेक का अनुष्ठान पूर्ण कराया। रुद्राभिषेक के बाद मुख्यमंत्री ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हवन व आरती की। विधि विधान से पूर्ण हुए अनुष्ठान के उपरांत मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों के आरोग्यमय, सुखमय, समृद्धमय व शांतिमय जीवन की मंगल कामना की। उज्जैन्यां महाकालं ओम।